अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम है आपका हमारी न्यू वीडियो में। गाइस, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है, बिकॉज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे फॉर्चून व्हील इवेंट के ऊपर। इसमें आपको इमोट किस तरह से मिलेगा, आपको इवेंट आइटम किस तरह से मिलने हैं, किस तरह आप इवेंट को कम्प्लीट कर सकते हो, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो आप लोगों ने क्या काम करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। एंड अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं है चैनल को भी यार सब्सक्राइब करना। साथ आपको बेल नोटिफिकेशन दिख रहा है यार, उसको ऑल पर सेट कर लेना ताकि आपको हमारी फ्यूचर अपडेट मिल सके। तो अब आएंगे अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पे क्या है गाइस के तीन तरह के रिवॉर्ड हैं, ठीक है। गारंटीड रिवॉर्ड है, इसमें से आपको कोई भी एक चूज़ करना है, ठीक है। आप तीनों चूज़ नहीं कर सकते, सबसे पहले आपको यही काम करना होगा। यहाँ पे इवेंट में मेरे पास आप देख सकते हो 800 डायमंड मौजूद हैं, तो मैं एक दो स्पिन करके आपको दिखा दूंगा, बाकी आप इवेंट में डायमंड लगाना चाहो लगा सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो यार, रैम्पेज का एक बंडल आपको देखने को मिल रहा है बहुत ही ओपी वाला। तो मैं ये इमोट जो है चूज़ कर रहा हूँ गाइस, ये बर्न्ड इमोट जो है गाइस बहुत ही ओपी वाला इमोट है, बात दीजिए इमोट। तो इसको हम जो है चूज़ कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं कन्फर्म, ठीक है। तो गारंटीड रिवॉर्ड है, तो इसमें आपको क्या करना है गाइस के इसको इसमें आपको ना स्पिन करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है कि ये इवेंट है स्पिन वाला, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको फीमेल बंडल देखने को मिल रहा है बहुत ओपी वाला, शेडो एस्ट्रो बंडल है। लेकिन इसके लिए आपको इस इवेंट में 8 स्पिन्स करने होंगे, 8 स्पिन्स करने होंगे तब आपको ये इवेंट में बंडल मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट 4 स्पिन्स पे आपको ना 50% ऑफ मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट 4 स्पिन पे आपको 50% ऑफ मिल रहा है, यानी 19 का आया था वो 9 का मिल गया, ठीक है। इसी तरह 49 वाला आ रहा है, फिर देन 199 और इसी तरह से स्पिन की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो 8 स्पिन आपके बनते हैं, लास्ट स्पिन जो है 399 डायमंड का है, ठीक है। तो ये 100 आपके 1000 डायमंड से इसमें ज़्यादा लगने हैं, इस इवेंट में 1200 डायमंड या 1300 डायमंड तक आपके लग सकते हैं और आपका ये रिवॉर्ड निकलेगा, गारंटीड है, ठीक है। आपका इससे पहले भी ये रिवॉर्ड निकल सकता है, ठीक है। तो मैं स्पिन कर लेता हूँ, अपनी किस्मत आजमा लेता हूँ, क्या पता यार कि किस्मत का कोई पता नहीं होता कि यार कोई अच्छा रिवॉर्ड पहले भी निकल आता है। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ कंफर्म। तो अभी यहाँ पे स्पिन हो रहा है, तो देख सकते हो यार 9 डायमंड में हमें मैजिक क्यूब फ्रैगमेंट निकली है, बहुत ही बेकार सा रिवॉर्ड है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यार, तो 6 बार मैंने स्पिन कराना था, अभी यहाँ पर क्या हो गया 5 बार आ गया, ठीक है। बर्न्ड बारबेक्यू इमोट बहुत ही ओपी वाला इमोट है, लेकिन मैं ये इमोट निकालने नहीं वाला, बस आपको स्पिन करके दिखाना था। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो एक और मैं इसमें जो है स्पिन करता हूँ 24 डायमंड का, तो यहाँ पे मुझे वाउचर मिला है 24 डायमंड का, क्या ही बात है यार। तो लास्ट एक स्पिन मैं करूँगा, इसके बाद मैं मजीद स्पिन इस इवेंट में नहीं करूँगा, क्योंकि यार ये वेस्टेज ऑफ डायमंड है, वेस्टेज ऑफ मनी है, रिसोर्सेज है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो 3 स्पिन मैंने किए, 3 स्पिनिंग पे कुछ भी नहीं निकला। तो 4 स्पिन आप करोगे, 4 स्पिन पे भी आपका कुछ नहीं निकलेगा। एटलीस्ट आपसे ये कितने डायमंड लगवाएंगे यार गाइज, एटलीस्ट आपसे जो है 800 डायमंड या 1K डायमंड लगवाएंगे, उसके बाद आपका ये वाला निकलेगा और देन आपका ये जो है मतलब बंडल निकलेगा 8वें स्पिन पे, ठीक है। तो 8 स्पिन आपको लाजमी इस इवेंट में करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 650 डायमंड यहाँ पे लग जाते हैं, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो तो तकरीबन आपके 1200-1300 डायमंड लगने हैं इस इवेंट में, ठीक है। और इसमें क्या है, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि 4 स्पिन आपके 50% ऑफ है, जिसका मैंने स्पिन करके भी आपको दिखाया, एंड आपने सिलेक्टेड किस तरह करना है मैंने दिखाया आपको कि आपने अपनी मर्जी का प्राइस चूज़ करना है। और यहाँ पे 8वें स्पिन पे आपको ये बंडल मिलेगा। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी हिस्ट्री क्या है, यहाँ से आपको जो रिवॉर्ड मिले हैं आपको मेल बॉक्स से क्लेम हो जाएंगे या डायरेक्ट वॉल्ट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पे मेरे 3 स्पिन रहते हैं, तो मैं इस पर मज़ीद जो है स्पिन करना नहीं चाहता, ठीक है। आप लोग करना चाहते हो, डायमंड वेस्ट करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन भाई मैं इस पर मज़ीद डायमंड स्पेंड नहीं करने वाला। तो होप से यार कि आपकी क्यूरीज क्लियर होगी होंगी इस इवेंट के रिलेटेड। अगर आपकी इस इवेंट के रिलेटेड स्टिल कोई क्यूरी है ना, तो आपने क्या करना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना है। तो मिलते हैं यार आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।